नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू देने वाला हूं कल के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर सकता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। आज देखो मार्केट में बहुत तेजी देखने को मिली, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास चढ़ा और निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास। क्या कल क्या होगा? कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, ठीक है, तो कल क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, गैप फिल होगा आज वाला या नहीं होगा, ये अगर सब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो बनी है स्पेशली आपके लिए। इसी के साथ दो स्टॉक मैं एक्सप्लेन करूंगा इन विच यू कैन ट्रेड एंड मेक प्रॉफिट। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बीच में भूल जाते हैं लाइक करना, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए समझते हैं पहले बैंक निफ्टी का व्यू कल के लिए। देख सकते हैं आप, आज बैंक निफ्टी गैप अप खुला। हमने कल डिस्कस किया था कि देखो आपको बाय करके चलना है 38,140 के ऊपर। आज गैप अप खुला उस लेवल के ऊपर और एक्चुअल में ऊपर गया। मॉर्निंग में इसने दिन भर की 80% मूवमेंट दे दी। अब सुनिए क्या हुआ। अब मार्केट बैंक निफ्टी ने रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद डेज एंड में ये जाके हाईएस्ट क्लोजिंग इसने दी है। नाउ अब हमारे पास क्या रणनीति निकल के आती है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सुनिएगा, कल के लिए क्या है, ये आप रेंज फिर से देख पा रहे हैं। अब हम डेज हाई के ऊपर बाय करके चलेंगे, यानी 38,640 के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर हम फ्रेश बाय करके चलेंगे अगेन से। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एटलीस्ट 10 से 12 मिनट यहाँ पे 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और टारगेट वन होगा 38,750, सेकेंड टारगेट 38,850, और थर्ड टारगेट 39,000 का होगा। ये तीन टारगेट हमको देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। अगर ये टूटता है तो कल ना एक बहुत बढ़िया जीरो टू हीरो ट्रेड हो सकता है, ठीक है। दैट मींस कल 38,500 का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये एक बढ़िया आपको मोमेंटम दिखा सकता है, एटलीस्ट डबल हो जाना चाहिए अगर मार्केट में अच्छी मूवमेंट आई तो, की बात कर रहा हूं मैं। ऑल राइट ना, ये रणनीति है हमारी। दोस्तों देखो, हमने कल क्या डिस्कस किया था कि इसके ऊपर आपको बाय करके चलना है, ठीक है, अगर लेवल टूटता है तो आज एक्चुअल में लेवल टूटा, बशर्ते एक चीज चेंज हुई कि गैप अप के साथ टूटा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ये रणनीति रहेगी कल के लिए बैंक निफ्टी में। अब सुनिए, अब सेलिंग भी आ सकती है, क्यों, क्योंकि दोस्तों कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है 10 से 11 बजे के आसपास, ठीक है, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल पे, ठीक है। तो नाउ क्या हो रहा है यहाँ पे, अब पॉलिसी के बाद जो बैंक निफ्टी है और जो बाकी जो बैंकिंग अदर स्टॉक्स हैं वो रिएक्शन देंगे अच्छा वाला, ठीक है। तो अगर क्या पता सेलिंग आएगी, तो पता सेलिंग किसके नीचे आएगी, मैं आपको दिखा दूं, सेलिंग आएगी इसके नीचे, ये सपोर्ट देख पा रहे हैं, सपोर्ट और ये सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमको एक जबरदस्त सेलिंग देखने को मिलेगी, यानी 530 का लेवल टूटता है तो, ठीक है, 38,530 का लेवल टूटता है तो, ठीक है। मैं स्क्रीन पर रहूंगा आप लोग के लिए, ठीक है, अगर मेरे को दिखता है स्क्रीन पर तो मैं आपको अपडेट कर देने वाला हूं कल के लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको कल जीरो टू हीरो ट्रेड भी देने वाला हूं, रेडी रहिएगा आप लोग। ऑल राइट ना, चलो भाई हम जानते हैं निफ्टी का व्यू। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो हमने कल तो एक वही बुलिश हैमर बनाया था, आज ऊपर कैंडल गया है तो हो सकता है कल एक और फॉलो थ्रू में बाइंग देखने को मिले, ठीक है। अगर आप अपनी और अपने फ्यूचर की परवाह नहीं करते हैं सो यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट अगर आप करते हैं तो मैं चाहूंगा आप इस पे ध्यान दीजिए। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं और अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारा ऑनलाइन कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 15th of February से। यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं इंट्राडे, शॉर्ट टर्म स्विंग, लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यहाँ पे हम आपको स्टॉक मार्केट का सीक्रेट देने वाले हैं जिससे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो अगर आप अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बने, तो माय डियर फ्रेंड्स आप हमारे इस बैच में एनरोल करवा सकते हैं। इस दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे आप हमको कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा क्लास में। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों 15th of February के ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच के लिए मैच 7 दिन बच चुके हैं, लिमिटेड सीट्स हैं।
मैं चाहता हूं अगर आपको भी हमारे तरीके से स्ट्रेट फाइंड आउट करने हैं, देखा आपने बैंक निफ्टी, देखा आपने परसिस्टेंट सिस्टम, देखा आपने बीटीएल, देखा आपने अदानी एंटरप्राइजेस, ये सारे ट्रेड आपके लिए एग्जांपल हैं कि भाई देखो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। बहुत आसान है स्टॉक मार्केट में काम करना। मैं आप लोग के लिए स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल कर दूंगा, ठीक है? तो अगर आपको अपना करियर बिल्डअप करना है, ज्वाइन दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई अब देखते हैं निफ्टी। देखो निफ्टी क्या है, अगेन सेम सिचुएशन है, निफ्टी का गैप अप खुला और इसने एक बॉक्स पैटर्न बना के लास्ट में ब्रेकआउट दे दिया। दैट मींस इट्स अ गुड साइन। कल 17,480 के ऊपर बाय करके चलना है, ठीक है? इसके ऊपर 30 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट 17,550, सेकेंड टारगेट 17,600 का, ये हमारा दो टारगेट रहेगा निफ्टी में, ठीक है? आई होप मेरी बातों को समझ चुके हैं आप। देखो बस एक चीज मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, दैट मींस ये गैप हो सकता है कल या तो परसों फिल करे। अगर मैं ठीक हूं तो ये गैप फिल करना चाहिए, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है? तो हमको ये भी ध्यान रख के चलना है, ऐसा नहीं कि किसी भी लेवल पे हमको बाय कर लेना है। आई होप मेरी बातों को समझ चुके हैं आप। अगर मैं आपको वन डे के चार्ट पे लेके आऊं, देखो भाई निफ्टी ने इस बार अच्छा संकेत दिया है, बुलिश हमने बना दिया है, यू नो वेरी वेल। अब नेक्स्ट डे जितना हाई के ऊपर सस्टेन रहेगा उतना प्रोबेबिलिटी रहेगी ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना? चलो भाई जानते हैं हम पहले स्टॉक को। पहला स्टॉक है हमारा VTL। VTL को बाय करके चलना है क्योंकि यहाँ पे बुलिश हैमर बना दिया, अब डेज हाई के ऊपर बाय करके चलना है। 10 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, हमको बाय करके चलना है इसके ऊपर, ठीक है? ये हमारा हाई कितना है 2500, ठीक है? बाय अबव 2500 स्टॉप लॉस हो जाएगा 2490 का। टारगेट वन होगा 2529, सेकेंड टारगेट वुड बी 2545। ये होगा दो टारगेट। दोस्तों आपको पता है हमने आज आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे ट्रेड दिए, ठीक है? रिकमेंडेशन दी, सारा लर्निंग पर्पस के लिए होता है दोस्तों, ठीक है? ताकि आप लोग यहाँ पे सीख सके और कमा भी सकें। आज हमने आपको VTL दिया, बैंक निफ्टी का एक पुट ऑप्शन दिया था, किस किसने लिया था मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। 38,700 का मैंने पुट ऑप्शन दिया था, बहुत शानदार चला, ठीक है? इस टाइप का ट्रेड आपको और कहीं और नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है? सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? और हमने आपको परसिस्टेंट सिस्टम भी दिया था जो कि लास्ट में बहुत बढ़िया चला। हाँ एक ट्रेड में हमारा SL हिट हुआ BSE, ठीक है? हमको उसको निकलना पड़ा, ठीक है? क्योंकि उल्टा ट्रेड वो पड़ गया था, ठीक है? बाकी बट सारे ट्रेड बहुत अच्छे रहे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल का परफॉर्मेंस। ऑलराइट ना, चलो भाई। सो VTL हो गया है, नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो, बाय करके चलना। देखो इंडिगो ने क्या किया, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट है, ठीक है? ऑलराइट, तो बाय करके चलना है हमको। अब कैसे मैं आपको कैसे बाय करके चलना है आपको सिखाता हूं। अब देखो ये रेंज है और ये रेंज है, बाय अबव दिस वन यानी 2265, बाय अबव 2265, ठीक है? टारगेट वन होगा 2285 का, टारगेट सेकंड 2295, ये होगा दो टारगेट। ऐसे आप प्लॉट कर लीजिएगा 2255 का, ठीक है? ये रहेगा हमारा कल के लिए दो स्टॉक। बाकी मैं इसी प्रकार से कंटेंट लाते रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद आप सभी को।